हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, जब भी कोई लड़की नई नवेली दुल्हन बनती है तो उसकी आंखों में काफी सपने होते हैं और उनसे भी ज्यादा सपने उन लोगों की आंखों में होते हैं जिनके घर पे वह लड़की दुल्हन बनकर जाती है। इसीलिए नई नवेली दुल्हन से कई लोगों की काफी ज्यादा अपेक्षाएं भी होती हैं। इसीलिए नई नवेली दुल्हन को जब भी वो ससुराल में अपना पहला कदम रखती है तो कुछ चीजों को गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उनकी वजह से नई नवेली दुल्हन की जो इमेज होती है वो काफी जल्दी खराब हो जाती है और आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी। अगर आप भी नई नवेली दुल्हन बनी है या बनने वाली है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूर जरूरत है। सो दोस्तों, अगर आप नई नवेली दुल्हन बनने वाली हैं या बन चुकी हैं तो आपको अपने नए परिवार के साथ सही तरीके से कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को बिठाने की जरूरत है। आपकी सासू माँ क्या चाहती हैं, आपकी नंदे क्या चाहती हैं, आपकी भाभियाँ क्या चाहती हैं, ये सारी चीजों को देखना और ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए नई नवेली दुल्हन को हमेशा अपने घर के अंदर गुपचुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चुप रहेंगी तो उसकी वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा ईगो वाला समझेंगे। इसीलिए हमेशा अपने नए परिवार से बात करने की कोशिश करें, उनकी पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करें ताकि आप उनके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा बहस ना करें। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हैं तो धीमी सी आवाज में आप इजाजत लेकर बोल सकती हैं, लेकिन एकदम से जंग के बीच में आपको नहीं कूदना है। इसी के साथ साथ आप अपने घर के परिवार जनों को सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ही अगर आप एक या दो चीजों को लेकर किसी के साथ बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती हैं या फिर किसी को पूरे तरीके से जज कर लेती हैं तो ये रिश्ता में खटास डाल सकता है। सो दोस्तों, इन चीजों को याद रखें, क्योंकि ये बोलने में काफी छोटी होती हैं लेकिन रिश्ते निभाने के लिए काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। इसीलिए इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए। मेरी ब्यूटी, हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।